जहां कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव ने अपने ऊपर हमले किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को दी गई एक शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। उन्होंने हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। तो टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव, जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर हमला किया गया है, गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। न्यूज 18 की आशिका सिंह के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई है कि इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई करे। सुष्मिता देव, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई थी, उनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं और इस तोड़फोड़ का सीधे तौर पर आरोप सुष्मिता देव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की मांग की जा रही है कि पुलिस को अब इस पूरे मामले की जांच करनी होगी। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुष्मिता देव की गाड़ी पर हमला किया गया। अमतुली में ये गाड़ी पर हमला किया गया है। सुष्मिता देव, जो कि लगातार अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आशिका, अपडेट बताइए इस खबर को लेकर, कितने बजे ये हमला हुआ और क्या अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है? ऋतिका, देखिए दोपहर की ये घटना है जब सुष्मिता देव और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता, आज त्रिपुरा में एक नया कैंपेन टीएमसी की तरफ से जारी किया गया था, बीबी दूत यानी बीबी के दूत, आने वाले जो पौर चुनाव हैं उनके मद्देनजर ये नया कैंपेन शुरू किया गया था, जिस दौरान एक विशेष तौर पर गाड़ी तैयार की गई थी टीएमसी की तरफ से, जिसके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि हमला हुआ है और सीधे सीधे उंगली जो है वो बीजेपी सरकार के ऊपर उठाई जा रही है। हालांकि इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां आरोप लगा है, टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर बीजेपी के जो वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता है उन्होंने हमला किया है। ठीक है, ठीक है आशिका, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था क्या, कितने बजे वो पहुंची थी और कितनी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने ये हमला किया? देखिए, अगरतला में जो है और त्रिपुरा के अन्य जगहों पर आज पूरे दिन ये कार्यक्रम जो है दीदी दूत ये जो नया कैंपेन शुरू किया गया है ये चल रहा था, जिस दौरान ये घटना हुई और आरोप जैसा कि लग रहा है सुष्मिता देव की तरफ से, इवन अभिषेक बैनर्जी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है और सीधे आरोप लगाया है कि त्रिपुरा में दुआरे गुंडा राज चल रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब टीएमसी ने ऐसा ही आरोप बीजेपी सरकार पर त्रिपुरा में लगाया है। बिल्कुल, गुंडा राज का आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा गया टीएमसी सांसद सुष्मिता देव की तरफ से, वो सुनिए जरा। आशिका, आपके पास लौटेंगे फिर। As we finished and got into the car, some goons came with those plastic dividers that you find on the road and sticks. They broken our cars, they put salt in our petrol tank and they have beaten our workers. They snatched my bag, threw my phone on the floor. I had to snatch it back from them. I have got hurt here trying to protect these people. देव, जिन्हें आप सुन रहे थे कि मुझे चोट भी आई है, मेरा फोन खींचा गया है, जमकर तोड़फोड़ की गई थी, क्योंकि सुष्मिता देव जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई थी और अब सीधे तौर पर आरोप लगाती हुई कि देखिए किस तरीके से गुंडा राज लगातार जारी है। राहुल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता है। राहुल सिन्हा जी, सीधे तौर पर सुष्मिता देव आरोप लगाती हुई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, उनकी गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की गई है, जानलेवा हमले का ये आरोप बीजेपी पर? देखिए, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बार बार बाहरी विषय को सामने लाया, कोई भी बीजेपी का लीडर किसी भी स्थान से आया तो बाहरी बाहरी करके जिन लोगों ने इतना चिशोर मचाया, आज क्यों इन लोगों ने त्रिपुरा में बाहरी लोगों को लेके इतना हंगामा फैलाने का कोशिश कर रहे हैं? ये कोई नहीं है, ये तृणमूल का एक साजिश है। कारण, तृणमूल का पास त्रिपुरा का स्थानीय कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए बाहर से कुछ पश्चिम बंगाल से कुछ कार्यकर्ता को उधर लेके और सुष्मिता देव के ऊपर जो हमला ये खुद करा के बीजेपी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। बीजेपी का ऐसा हमला करने का कोई कल्चर बीजेपी में नहीं है। जो तृणमूल का कल्चर है उस कल्चर से त्रिपुरा को नष्ट करने का कोशिश इन लोगों ने कर रहा है।
त्रिपुरा में कोई हिंसा नहीं था, त्रिपुरा में शांति चल रहा था, उस शांत त्रिपुरा को अशांत करने का इन लोगों ने प्रयास कर रहा है। बंगाल को तो बर्बाद कर दिया, अभी त्रिपुरा को बर्बाद करने का साजिश कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सामने आती रहती है, अब वही माहौल क्या आप त्रिपुरा में करने की ये बड़ी साजिश है? ठीक है, राहुल सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद थे। सुष्मिता देव ने क्या कुछ कहा अपने आरोप में, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि त्रिपुरा में गुंडा राज है और जब उनके काफिले पर हमला किया गया उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज भी करवाई है, कार्रवाई की मांग की गई है। क्या कुछ आरोप उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर लगाए, सुनिए जरा। As we finished and got into the car, some goons came with those plastic dividers that you find on the road and sticks. They broken our cars, they put salt in our petrol tank and they have beaten our workers. They snatched my bag, threw my phone on the floor. I had to snatch it back from them. I have got hurt here trying to protect these people. तो जिस गाड़ी में सुष्मिता देव सवार थी उसी गाड़ी को टारगेट करते हुए जमकर तोड़फोड़ की गई, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। कार्यकर्ताओं के साथ वो मौजूद थे, एक कार्यक्रम में शिरकत करने उन्हें जाना था, लेकिन उसी दौरान रास्ते में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा, जमकर तोड़फोड़ की गई। ये सीधे तौर पर आरोप सुष्मिता देव लगाती हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस दिशा में ये जांच जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसको लेकर पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ इन तमाम आरोपों को निराधार बताती हुई भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को हिंसा में झोंक दिया गया टीएमसी की तरफ से, अब वही माहौल त्रिपुरा में।